फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस, यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं, और इसमें भी हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि 40 क्वेश्चंस को कवर अप करता है आउट ऑफ 100। ये मिशन रेलवे पार हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 का, और जनरल अवेयरनेस को अभी हम आपके साथ डिस्कस हाल में कर रहे हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसको हमने कोट किया है पेपर फर्स्ट से, और ये जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सैंपल है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और ये सैंपल पेपर है 28 मार्च का 2016 शिफ्ट फर्स्ट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच रिवर इज यूज्ड टू कॉल द सौरव ऑफ बंगाल, यानी कि किस नदी को सौरव ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है सौरव ऑफ बंगाल? दामोदर रिवर को कहा जाता है सौरव ऑफ बंगाल। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रिक्स विच कंट्रीज इज डिनोटेड बाय बी, यानी कि ब्रिक्स में किस देश को बी द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ब्रिक्स में जो बी बनता है उससे है ब्राजील। ब्राजील यानी कि सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ब्रिक्स के बारे में हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आर से होगा रशिया, बी से हो गया ब्राजील, आई से है इंडिया, सी से चाइना, और साथ ही में जो नेक्स्ट कंट्री है ये ऐड हुई है साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स से हो जाएगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये पांचों कंट्रियां हैं, इनको नाम के साथ आपको याद रखना है। सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज सी, यानी कि मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी। तो ये एक जो मृणालिनी साराभाई है एक क्लासिकल डांसर थी, तो सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स, यानी कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप जी के जो घोड़े का नाम था क्या था, चेतक। और यदि बादल पूछा जाए तो बादल आई थिंक रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनके घोड़े का नाम था बादल। तो बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप, यानी कि माना जाता है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, किया गया था गैलीलियो गैलीलियाई, यानी कि इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु इज अ हैकर, यानी कि हैकर कौन है। तो हैकर कौन होते हैं, ऑप्शंस के थ्रू चले, गली में सामान बेचने वाला रॉन्ग है, अ पर्सन हु यूज कंप्यूटर्स टू गेम अनऑथराइज एक्सेस टू डाटा, यानी कि एक व्यक्ति जो डाटा का अनाधिकृत उपयोग करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। तो आई थिंक ये सही होगा, बी इसका है करेक्ट आंसर, अ पर्सन हु ओनली सेल्स कंप्यूटर्स ऑनलाइन। तो रॉन्ग है, एक व्यक्ति जो फोन कॉल रिकॉर्ड करता है तो ये भी रॉन्ग है। तो बी को फॉलो करेगा, बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विद, यानी कि धमनियां जो हैं रक्त ले जाती हैं, जो भरा हुआ है किस चीज से भरा हुआ रहता है। आर्टरीज जो रहती हैं ऑक्सीजन से, यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा ये भरी रहती हैं, जो ब्लड को कैरी करती हैं, ब्लड को ले जाती हैं। तो ए इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेमोरियल टू डेड पर्सन, यानी कि इसमें से कौन मृत व्यक्ति के लिए स्मारक नहीं है। तो इन चारों की बात करें, बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार और इत्मात उद्दौला। तो इनमें से जो चार मीनार है एक विजय स्तंभ के रूप में माना जाता है, बाकी जो बीबी का मकबरा है, ताजमहल और इत्मात उद्दौला है ये माने जाते हैं मृत व्यक्तियों के स्मारक के लिए। तो जो चार मीनार है ये विजय स्तंभ के रूप में माना जाता है, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज करला फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड, यानी कि जो कराला किस राज्य में स्थित है जो अपनी बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो करला है ये है कहां पर, महाराष्ट्र में स्थित है।
तो ए इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो पहली बार जिसमें संशोधन हुआ था कब किया गया था। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था 1951 एक्ट, 1951 में हुआ था, और इसमें ऐड किया गया था शेड्यूल 9th को ऐड किया गया था, और इसमें मेन जो था, हम बात करें शॉर्ट फॉर्म में, तो लैंड रिफॉर्म एक्ट था ये, लैंड रिफॉर्म एक्ट। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विथ विच स्पोर्ट इज कमरान मल्लेश्वरी एसोसिएटेड, यानी कि कमरान मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं। तो जो कमरान मल्लेश्वरी हैं ये हैं वेट लिफ्टिंग, यानी कि डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है ये, संबंधित है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट सेटेलाइट टू ऑर्बिट अवर मून, यानी कि हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। तो कौन सा है, लूना 10, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह है लूना 10 हमारे जो चंद्रमा है, बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि इसमें से कौन सा सच्चा है। तो 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB, मेगाबाइट 1 GB इक्वल्स टू दिस, एंड ये जो चार फॉर्म दिए गए हैं उसमें से करेक्ट आपको चुनना है। तो 1 GB में 1024 MB होता है बी इस क्वेश्चन का, ए सॉरी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इसको डिनोट किया गया है और इसका अर्थ पूछा गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जिसको आता है वो डायरेक्टली इसको कर देगा। इसको डिनोट यदि करें तो XC को क्या लिखते हैं, 100 माइनस 10, 100 XC को यदि लिखे तो 100 माइनस 10 और P1 ये क्या हो जाएगा, +5 +1। तो इस तरह से हम इसको निकाल भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10 90 और +6 यानी कि 96 को ये फॉलो करेगा। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। एग्जांपल के लिए हम और देखें, XC14 यानी कि ये हो जाएगा क्या, 100 माइनस 10 ये है +-1 और +4 +5 बी से 5, यानी कि 100 माइनस 10 माइनस 1 प्लस 5, तो ये 94 हो जाएगा। XC P 111 ये क्या होगा, 100 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, तो इस तरह से ये 97। ये एग्जांपल के थ्रू आप इनको रख सकते हैं, इसका राइट आंसर है सी 96। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी कि टीबी डे इज ऑब्जर्व ऑन, यानी कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 24 मार्च को ये मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, हमारी हिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही है, हिस्ट्री के लेक्चर भी चल रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। यदि आप नहीं देखे हैं इनको तो देखकर जरूर देखें, आने वाली जो एग्जाम्स हैं आपको काफी इनसे हेल्प मिलने वाली है। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और यदि पूछा जाए कि ये नारा कब दिया था, तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इसमें दिया था। और ये कब हुआ था, 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था, इसमें डू और डाई का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, द फंक्शन ऑफ द लेंस इज अवर आईज इस टू, यानी कि हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य रहता है, लेंस जो है उसका क्या कार्य रहता है, कवर द आईज आंखों को ढक कर रखें नहीं। सेकंड है, सेंड मैसेज ऑफ इमेज टू द ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजें, तो ये भी गलत है। चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आंख, यानी कि आंख की फोकल दूरी बदले, तो ये करेक्ट है। साथ ही में प्रोटेक्ट आई
आइस फ्रॉम इंजरी यानी कि आंखों को चोट लगने से बचाता है। तो ये चारों ही गलत है। जो आंख का लेंस रहता है उसका मेन कारण रहता है फोकल डिस्टेंस, यानी कि जो चेंज करता है फोकल डिस्टेंस को। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिजिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी मून्स डज द प्लेनेट मार्स हैव, यानी कि मंगल ग्रह जो है उसमें कितने चंद्रमा हैं, कितने उसमें प्लेनेट मार्स, मतलब हाउ मेनी मून्स, मून्स कितने हैं इसमें मंगल ग्रह में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दो मून हैं मंगल ग्रह में, दो चंद्रमा हैं। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। डायरेक्टली नॉलेजेबल बेस्ड क्वेश्चन है, यदि आपको पता होगा तो इसको आप जल्दी टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन है। यदि आपने इंडियन पॉलिटी की लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें, काफी अच्छे से हमने डिस्कस किया था। हमने बोला था एक यूनियन एग्जीक्यूटिव होगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव होगा और ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा प्रेसिडेंट और सेकंड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट को बोला जाता हैड ऑफ द स्टेट और प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता हैड ऑफ द गवर्नमेंट। साथ ही में यदि बात करें, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। और साथ ही में जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है एक्ट एज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है स्टेट का उसको प्राइम मिनिस्टर, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग द यूनियन गवर्नमेंट। कहीं कहीं आंसर इसका आपको द गवर्नर भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का वो होगा प्राइम मिनिस्टर। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस, यानी कि साइप्रस की राजधानी कौन सी है। तो साइप्रस की राजधानी क्या है, निकोशिया। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन, यानी कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्टली बेस क्वेश्चन है, जल्दी से लगाकर आपको आगे बढ़ते जाना है। टाइम जितना बचा सके आप बचा लीजिए, क्योंकि टाइम लिमिट काफी कम है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा अशफ अली इज रिमेम्बर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्ट, यानी कि अरुणा असफ अली हैं उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को फहराने के लिए याद किया जाता है। तो वो रूल, वो मूवमेंट कौन सा था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट में अरुणा असफ अली के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को फहराने के लिए याद किया जाता है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी कि इसको क्या कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये कब स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन, ये स्टार्ट होता है 1942 में, 1942 में ये स्टार्ट होता है। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2014 द लोकसभा वाज इलेक्टेड, यानी कि 2014 में लोकसभा के लिए चुने गए, तो कौन सी लोकसभा ये थी, 16 नंबर की ये लोकसभा थी। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो 2018 में हुआ था वो 17 नंबर की लोकसभा थी, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इस पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इसका है करेक्ट आंसर, विच बॉक्सर इज निकनेम्ड द रियल डील, यानी कि किस मुक्केबाज का नाम द रियल डील है। तो किसका नाम है रियल डील, तो नाम है इनका इवैंडर होलीफील्ड। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द रोलट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, तो रोलट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। अभी हमारे इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर चल रहे हैं, उसमें भी हम करेंट में यही टॉपिक चल रहा है हमारा, मॉडर्न इंडिया वाला। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखें। जो गांधीयन एरा हम बात कर रहे हैं, गांधीयन फेज जो है उसमें सबसे पहले चंपारण आता है, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आती है, फिर आता है खेड़ा सत्याग्रह, और उसके बाद रौलत एक्ट आता है जो कि 1919 में स्टार्ट होता है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच अमंग द बिलो चॉइसेस कैन कॉज अ सुनामी आल्सो नोन एज हार्बर वेव, यानी कि नीचे विकल्पों में से कौन सी सुनामी, जिसे हार्बर वेव भी कहा जाता है, हो सकता है। तो जो सुनामी है वो किससे रिलेटेड होगा, टाइफून, वोल्केनिक इरप्शन ऑन लैंड,
सूखा पड़ना, तो ये करेक्ट नहीं है। जो अंडर सी अर्थक्वेक आता है समुद्री भूकंपों के तहत, इसको सुनामी बोला जाता है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वास्को डी गामा लैंड इन इंडिया, यानी कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये कब आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। कब आता है वास्को डी गामा इंडिया, 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आता है, बी इसका है करेक्ट आंसर। और वही बात करें 1492 की, तो इसमें कोलंबस आता है इंडिया की खोज में, पर वो कहाँ पहुंच जाता है, बहामास। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो 1498 में ये कहाँ पर आता है वास्को डी गामा इंडिया, ये पहुंचता है कैलीकट, बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एकल कोशिका वाले जीव का एक उदाहरण है। तो एकल कोशिका वाले जीव का एक उदाहरण है क्या, इनमें से प्रोटोजोआ एकल कोशिका यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो ए इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड मार्स गैस, यानी कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो मार्स गैस किसको कहा जाता है, मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन यू फाइंड द गोल्डन टेम्पल ऑफ दम्बुला, यानी कि आपको दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ मिल सकता है, तो कहाँ पर मिलता है ये है एम्परर अशोका वाज द सक्सेसर ऑफ, यानी कि सम्राट अशोक इसके उत्तराधिकारी थे। तो हमने द डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि नृत्य रूपी कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के किस भाग से हुई थी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस फेमस है, आंध्र प्रदेश का। डांस से भी एक क्वेश्चन बनता है, जो नृत्य है लोक नृत्य है वो वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का फेमस डांस फॉर्म है, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज बिलीव्ड टू हैव बिल्ट द कोणार्क टेम्पल, यानी कि जो कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था। तो हमने इसके लिए आपको एक टेबल बनाया था इंडियन हिस्ट्री के, जो मॉडर्न एंशियंट इंडिया वाला पार्ट है, 700 से 1200 एडी वाला जो टाइम पीरियड चलता है ये चलता है टेम्पल एज। और इसमें गुजरात में हमने बोला था, गुजरात में कौन रूल कर रहा है, सोलंकी डायनेस्टी। और इसमें सोमनाथ टेम्पल, दिलबारा टेम्पल जो कि जैनिज्म के लिए है माउंट आबू पर, साथ ही में खजुराहो में चंदेला डायनेस्टी, और चंदेला में कंदरिया महादेव टेम्पल और पासनाथ टेम्पल जो खजुराहो एरिया है। और उड़ीसा में हमने बात की थी, उड़ीसा में गंग डायनेस्टी रूल कर रही है, और पुरी में विश्वनाथ जगन्नाथ टेम्पल विष्णु के लिए जगन्नाथ टेम्पल, और साथ ही में भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल, और कोणार्क में सन टेम्पल जिसको की बोला जाता है ब्लैक पगोड़ा। तो ये किस डायनेस्टी में होते हैं, गंग डायनेस्टी में। साथ ही में इसको बनवाया किसके द्वारा गया था, नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेजर्ट एडजॉइनिंग द थार डेजर्ट कॉल्ड इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से सटे रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है चोलिस्तान, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ प्रिजर्व्ड रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द रिमोट पास्ट इज कॉल्ड, यानी कि दूरस्थ अतीत से जानवरों पौधों और अन्य जीवों से संरक्षित अवशेष या निशान के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है, जो जानवरों पौधों और अन्य जीवों के अवशेषों के बारे में अध्ययन करने को कहा जाता है क्या, पैलेंथियोलॉजी इसको कहा जाता है, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू गेट द एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना उस तत्व के परमाणु भार को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसके साथ की जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के साथ की जाती है, फर्स्ट एलिमेंट है तो इसके साथ की जाती है, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का आकार क्या है, पृथ्वी का आकार कौन सा है।
ऑब्लेट स्फीयर, ऑब्लेट स्फीयर है पृथ्वी का आकार, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू टीम प्लेड द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, यानी कि पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन दो टीमों ने खेला था, तो ये किस दो टीम के द्वारा खेला गया था, यूएसए एंड कनाडा। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया लगा के नहीं आना जाना है। सी है करेक्ट आंसर, यूएसए एंड कनाडा के बीच फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीज व्हाट हैपेंस टू इट्स वेवलेंथ, यानी कि जैसे ही एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य, यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात करें और तरंग दैर्ध्य की बात करें, वेवलेंथ की बात करें, तो इनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रूल है, यानी कि फ्रीक्वेंसी यदि इंक्रीज होगी तो जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगी, यानी कि सी इसकी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इट डिक्रीज यानी कि यह घटता है, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।